हमीरपुर शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद हरकत में आ गया है। दोपहर बाद नगर परिषद ने शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर चाबुक चलाया है। इस कार्यवाही में दुकानदारों को पीले लाइन के पीछे सामान रखने की कड़ी हिदायत दी गई है। वहीं बीच बाजार पर अतिक्रमण हटाने गई नगर परिषद की टीम को व्यापार मंडल के विरोध का सामना करना पड़ा। नगर परिषद की टीम ने जैसे ही नालियों पर सजाए गए सामान को हटाने का कार्य शुरू किया, इतने में अपर बाजार के व्यापारी नोकझोंक करने पर उतारू हो गए। वहीं व्यापार मंडल ने जिला प्रशासन का हवाला देते हुए टीम को कहा कि करीब 3 महीने पहले तत्कालीन उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने व्यापारियों को नालियों पर अपना सामान रखने की अनुमति दी थी। ऐसे में अब नालियों से सामान को हटाना गलत है। हालांकि ये टीम ने साफ किया है कि जिला प्रशासन से मिले फरमानों के बाद नालियों की सफाई के लिए दुकानदारों के सामान को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही सड़कों पर सजाई गई दुकानदारी व किए गए अतिक्रमण को भी हटाने के प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। व्यापारियों के कड़े विरोध के बीच सड़कों व नालियों पर सजाई गई दुकानदारी को हटाया गया तो कई रेड़ी फेड़ी वाले इस कार्यवाही को देख अपना सामान समेत निकल गए। अतिक्रमण करने में सब्जी फल व कपड़ा व्यापारी सबसे आगे पाए गए हैं। गांधी चौक से शुरू किया गया ये अभियान तहसील मार्केट तक चलाया गया। नगर परिषद के सफाई अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि शहर में डीसी के आदेशों के अनुसार ही नालियों पर रखे गए सामान को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए काम किया गया है और कई दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है, जो कि आगामी दिनों तक अभियान जारी रहेगा। द्वारा माने डीसी साहब के आदेशानुसार शहर की नालियों के ऊपर जो सामान रखा था उसको के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है और जगह जगह उसको खाली करवा रहे हैं। ये अभियान अभी 2-3 दिन लगातार अभी चलता रहेगा जब तक कि लोग अपने यहाँ से नहीं हटाएंगे। टीमों को आज वार्निंग दी और 8-10 आदमियों की पर्चियाँ काटी गई और उनका सामान हटाया गया। अभी अभियान जारी है, अब 1-2 चक्कर और लगाएंगे शहर के ताकि ये काम सुचारू रूप से चलाया जाए। तो पर्ची जो टेम्परेरी लोग लगाते हैं किसी के मकान के या दुकान के आगे लगाते हैं उसकी 50 रुपये रोज की है। ऐसे जिनको हमने जगह दी है उसको 300 रुपये महीने की है और जो रोज़ कूड़े की गाड़ी जाती है वो शहर के दुकानदार जो हैं वो पैसा नहीं देते हैं। जैसे दुकानदार हैं जो पूरा महीना गाड़ी चलती है उसके लिए 50 रुपये, कईयों के 100 रुपये, ढाबों वालों के 150 रुपये ऐसे हिसाब से पैसे बनाए हुए हैं उसके लिए चलाया हुआ अभियान। ये गाड़ी की है और पैसा नहीं, अभी म्यूनसिपलिटी को बहुत पैसा नहीं आ रहा है। कितनी सफल मानते